नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महामारी कोरोना संक्रमण के चलते बंद किए गए सिनेमा घर 5 जुलाई से खुलने जा रहे हैं, मगर दर्शकों को अभी नई फिल्में देखने को नहीं मिलेंगी। सिनेमाघरों के मालिकों का कहना है कि दर्शकों को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ नया नहीं है, हम लोगों के पास पुरानी फिल्में पड़ी हैं, उन्हीं में से कोई दिखानी पड़ेगी। एक सीट छोड़कर बैठने की व्यवस्था माल रोड स्थित सपना पैलेस के मालिक मंगल प्रसाद ने बताया कि हमारी सपना सिनेमा हॉल हमने 1982 में खरीदी थी और इसका संचालन 1985 में हुआ था, लेकिन इन 35 सालों में अब तक ऐसा तौर कभी नहीं देखा जो कि साल 2020 और 2021 में देखने को मिला है। शासन और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार हम लोग ने सिनेमा घर को खोलने का प्रबंध कर लिया है, लेकिन दर्शकों को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नया नहीं है, हम लोग के पास पुरानी फिल्में पड़ी हैं, उन्हीं में से कोई दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा हाल कोविड गाइडलाइन के तहत ही खोले जाएंगे, 50% लोगों को ही सिनेमा घर के अंदर प्रवेश की अनुमति देंगे, साथ ही यहां आने वाले दर्शकों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रवेश करवाएंगे। गुरुदेव टॉकीज के अंदर ओनर अंगद सिंह ने बताया, इस समय सिनेमा घरों को खोलने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा। एक तो हमारे पास दर्शकों को दिखाने के लिए अच्छा कंटेंट नहीं है, जो भी नई फिल्म रिलीज हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। शहर के ज़्यादातर दर्शक कोविड की दूसरी लहर के बाद से डरे हुए हैं, ऐसे में उन दर्शकों को आकर्षित करने के लिए कोई अच्छी फिल्म भी हमारे पास नहीं है और शहर के ज़्यादातर लोग ने OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ऐसे ही कुछ शहर के सबसे पुराने और अपग्रेडेड सिनेमाघर हीर पैलेस के मालिक SK सिंह ने भी बोला कि कंटेंट की कमी से सिनेमाघरों का बिजनेस चौपट हो गया है, ऐसे में अगर हम लोग थिएटर खोलते हैं तो बिजली और स्टाफ का खर्चा निकालना भी मुश्किल पड़ेगा। शहर में बने 4 मल्टीप्लेक्स दर्शकों के लिए नहीं खुलेंगे। रेओ 3 मैनेजर अजय सिंह ने बताया, अभी हमारे पास मॉल के मैनेजमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, शायद दर्शकों को दिखाने के लिए इस समय कुछ उपलब्ध नहीं है, तभी कोई अलर्ट मैनेजमेंट की तरफ से नहीं जारी हुआ है। इसके अलावा साउथ एक्स मॉल, रेओ मोती और जेड स्क्वायर मॉल भी अभी नहीं खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।